हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, बहुत सारे छात्र सिलेबस पूछ रहे थे JSSC CGL टेक्निकल वाला, जो आपको पता होगा जो टेक्निकल का फॉर्म भरे गए थे, जिनका एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाले हैं, ठीक है, उसका सिलेबस टेक्निकल का आपको बताने वाले हैं। इस सिलेबस का आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिलेबस वो बहुत दिखने वाला है, हालांकि देखा जाए तो JSSC की वेबसाइट पर अभी ऑफिशियल तरीक़े से सिलेबस नहीं दिया गया, लेकिन सिलेबस आपको यही सब होने वाला है, ठीक है। आपको तैयारी करना होती सब सिलेबस को आप अभी थोड़ा बहुत करके देखते जाइए, क्योंकि समय आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला, ठीक है, तैयारी करने का, क्योंकि जैसे झारखंड है दोस्तों, पता ही है आपको, सिलेबस अभी तक दिया नहीं है। सोचिए ना, फॉर्म कब का भरवा चुका है, सिलेबस नहीं दिया, अब एक दो तीन महीने बाद एग्ज़ाम भी होने वाला है इसका, ठीक है। टेक्निकल ऑनलाइन एग्जाम है दोस्तों, तो हो सके JSSC CGL से पहले टेक्निकल का ही ना ले ले, ऐसा हो भी सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम ऑनलाइन है और ज़्यादा फॉर्म थोड़ी भरे जाते हैं टेक्निकल वाले सिलेबस में, ठीक है। 550 सीट था इसमें, और कौन कौन सा पोस्ट था एक बार आपको दिखा देते हैं। बहुत सारे छात्र भरे हैं, CGL वाले भी भरे हैं, और जो जो छात्र CGL का तैयारी करे वो भी CGL टेक्निकल का भरे हैं, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम ही लगभग, ठीक है, सब चीज़ लगभग सेम है, हम बताने वाले कैसे, इसलिए बहुत सारे छात्र भरे हैं। इसलिए टेक्निकल जिसको करना है, जिनको लग रहा है कि CGL हमसे नहीं हो पाएगा, टेक्निकल ही कर पाएंगे, तो आप लोग भरिएगा और कर लीजिए टेक्निकल का भी से, ठीक है दोस्तों। चलो हम बता लेते हैं कौन कौन सा आपको सिलेबस है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ठीक। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको पोस्ट का नाम बता देते, ठीक है। ये सब पोस्ट निकला हुआ था, कितना टोटल 9 को कितना था, 9 था, ठीक है। देखिए कौन कौन पोस्ट था, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, दूसरा था पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष, अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष, सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, निरीक्षक विधेयक माप विज्ञान भूतात्विक विश्लेषण, सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष, पर्यवेक्षक एवं समकक्ष। ये सिलेबस मतलब ये टॉप मतलब ये सब पोस्ट था, टोटल 8 पोस्ट, ठीक है, सब 8 पोस्ट था। और बहुत सारे सब्जेक्ट थे इसमें, ज्योग्राफी, किसी में ज्योग्राफी मांगा था, किसी में मैथ मांगा हुआ था ग्रेजुएशन डिग्री, किसी में फिजिक्स मांगा हुआ है, किसी में मैथ मांगा हुआ है, और किसी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अलग अलग पोस्ट के अलग अलग मांगे हुए थे। इसका अभी टेक्निकल का सिलेबस नहीं दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। सिलेबस जो बता रहे वही सब पढ़िए, अभी पढ़ना होगा तो, क्योंकि सिलेबस यही आपको अलग से नहीं पूछता, जितने भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है ना, सिलेबस लगभग यही सब होता है, ठीक है, कोई अलग नहीं होता है। चलिए तो एक बार देख लीजिएगा। दूसरी बात दोस्तों, चलिए आपको पता होना चाहिए जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें भी, जैसे जैसे CGL कैसा है वैसे ही इसमें भी होगा। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3 होने वाला है। पेपर 1 CGL टेक्निकल और CGL एक ही सिलेबस है। पेपर 2 जैसा कि CGL में वैसा CGL टेक्निकल में, तो ये दोनों तो सेम ही हो गया, ठीक। इसीलिए बहुत सारे छात्र जो CGL की तैयारी कर रहे हैं इसका भी फॉर्म भरे हुए, तो दोनों का सिलेबस सेम है, जो खोटा रहेगा खोटा, हिंदी रहेगा हिंदी, मैथ जो भी है सब सेम है। पेपर 3 का यहाँ देखिए चेंजिंग क्या, देखिए पेपर 3 देखिए, जो टेक्निकल जो विशिष्ट विषय जो आपका है, जैसे फिजिक्स वाले अलग, मैथ वाले अलग क्वेश्चन आएगा, सौ इकोनॉमिक्स वाले अलग आएगा, ज्योग्राफी वाले अलग आएगा, एग्रीकल्चर वाले के लिए अलग आएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वाले के लिए अलग आएगा, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग आएगा, इस तरह क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन अलग से आपका आने वाला है, जैसा कि नगर पालिका में पूछा गया था क्वेश्चन वैसे ही आपका आने वाला 100। बाकी देखिए सामान्य अध्ययन 20 क्वेश्चन आने वाला है, गणित आने वाला है 20 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान 10 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन आपको, ये भी सचिवालय में है तो आपको ये तो कॉमन ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आपको, मेन यहाँ डिफर यहाँ कर रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो छात्र टेक्निकल का ही तैयारी कर रहा है, CGL का फॉर्म नहीं भर रहे हैं, अलग से टेक्निकल भर रहा है, और आपको दिक्कत होगा कि आप देखिए आप टेक्निकल बैकग्राउंड से मान लीजिए होंगे, तो आपको GK GS में कमजोरी होगा, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आपके लिए ऐसा PDF बना के देंगे एग्जाम के टाइम पे, टेंशन मत लीजिए। ये पूरा जो 50 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन गारंटी के साथ देते, वो PDF पढ़ के जाइएगा आराम से, 50 में से 40 बना के जरूर आइएगा, ठीक है, गारंटी देते हैं आपको। आपको विश्वास नहीं होता जब JEE वाले छात्रों को पूछ लीजिएगा जो अभी ज्वाइन किए हुए, ठीक है। सिलेबस पता है टेक्निकल, ये सब नन टेक जो पोर्शन आपके हैं, 50 क्वेश्चन है इसमें, सोच सकते हैं आप लोग, 50 क्वेश्चन बस आपको PDF दे देंगे उस टाइम पे, अभी नहीं, जब डेट आने दीजिए उसके बाद देंगे, ठीक है। एक 50 क्वेश्चन में जिसको डर लग रहा है कि 50-10 भी नहीं बना पाएंगे, वो 50 क्वेश्चन अभी PDF पढ़ जाएगा ना, 50 पे बता रहे एकदम कमजोर भी होंगे तो 30+ जरूर बना के आइएगा, और थोड़ा बहुत तेज तरार होंगे तो 40+ जरूर कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, वैसा आपको बना के दे देंगे, ठीक है। आपको हम अभी सिलेबस बताने वाले हैं, ये वाला 100 नंबर वाला, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट का दिखा रहे हैं, हालांकि धीरे धीरे करके सब सब्जेक्ट बता देंगे, ठीक है लगभग। अब बाकी जो सब्जेक्ट नहीं बता पाएंगे दोस्तों, तो जो भी ग्रेजुएशन का सिलेबस है वही सब सिलेबस मैक्सिमम होता है जो भी एग्जाम में आए हुए थे, जैसे मान लीजिए नगर पालिका में जो आया था फिजिक्स के, तो वही सिलेबस होगा उसमें भी, मैथ में तो वही सिलेबस सेम ही होने वाला, अलग नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, तो देख लेते हैं एक बार, देख लेते, तो मैथ का सिलेबस जो था दोस्तों, लीनियर अलजेब्रा खुला हुआ है, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, कैलकुलस, एनालिटिक्स मैथ का सिलेबस है, ज्योमेट्री, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डायनेमिक स्टेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेक्टर एनालिसिस, अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडलिंग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी,
मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और लॉजिक, ये सब टॉपिक आप लोग देख लीजिए फिलहाल, तभी तक जब तक सिलेबस नहीं दे रहा है, क्योंकि सिलेबस आपको यही होने वाला, अलग से कुछ नहीं देगा। आपको लग रहा हो कि इसमें अलग होगा, नहीं कुछ नहीं होगा, आपको यही होने वाला। और एक बार देख लीजिएगा नगर पालिका में जो क्वेश्चन मैथ का पूछा गया था, एक बार देख लीजिएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, उसी टाइप में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलग नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैथ का सिलेबस है, ये टेक्निकल जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको यहाँ, ठीक है। दूसरी बात, चलिए सिविल इंजीनियर का देख लीजिए क्या क्या पूछने वाला है। बिल्डिंग मटेरियल आदि सिलेबस सिविल इंजीनियर, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड एवोल्यूशन, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट दिया हुआ, वो देख लीजिएगा, आपको टेलीग्राम में डाल देंगे। सर्वेइंग हो गया, सॉयल मैकेनिक्स हो गया, ठीक है वो हो गया, और क्या है हाइड्रोलिक्स हो गया, इरिगेशन इंजीनियरिंग में भी देख सकते हैं, इसका सिलेबस अलग से दिया हुआ, देख सकते हैं आप लोग क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हो गया, ये सब हम डाल देंगे आपको टेलीग्राम, वहाँ से एक बार देख लीजिएगा सिलेबस। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग अलग अलग दिया हुआ है, वहाँ पर दिया हुआ, देखिए कंक्रीट हो गया, आरसीसी हो गया, उसी तरह मैकेनिकल का देख सकते हैं आप लोग, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम, ठीक है। और थर्मल इंजीनियरिंग में देख लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें से बहुत सारा प्रोसेस आता है, क्वेश्चन भरा पड़ा रहेगा इसे, इस टॉपिक से अच्छा से पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन बहुत आएगा यहाँ से, ठीक है। सेकेंड लॉ भी अच्छा देख लेना आपको, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, जितने भी साइकिल है, ठीक है वो देख लीजिएगा, साइकिल से जितने बॉयलर से देख लीजिएगा एक बार। चलिए और भी कौन सा है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी देख लीजिए कौन कौन सा है, ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी सिलेबस देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए ये सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और सिलेबस आपको यही होने वाला, देखिए ऑफिशियल सिलेबस आपका जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, लेकिन आपको सिलेबस यही होने वाला है, अलग नहीं कुछ पूछेगा, ठीक है ना। तो अभी से थोड़ा बहुत करना चाहेंगे तो कर लीजिए, और बाकी ने तो इंतजार करना है आपको कि नहीं सिलेबस देगा तभी करेंगे, तो फिर कीजिए, तब तक आपको लेट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। इसलिए अभी से कीजिएगा, सिलेबस देखिएगा हो बहु यही होने वाला है, अलग कुछ नहीं होने वाला आपका, ठीक। चलिए, क्योंकि इसको सिलेबस तो दे देना चाहिए, हालांकि दिया नहीं है, पता नहीं कैसा सिस्टम है यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। खैर चलिए, जो भी है आयोग का बात है भाई, क्या बोल सकते हैं, अपना मनमाजी करता नहीं यहाँ पे। एग्रीकल्चर का भी जो एग्रीकल्चर से भरे हैं, तो उसका भी सिलेबस देख सकते हैं आप लोग क्या क्या दिया हुआ, यहाँ से देखिए आप लोग पढ़िए, यही सब टॉपिक दे दे करके सिलेबस का इंतजार क्यों कर रहे हैं, यही सब टॉपिक तो रहता है, अलग थोड़ा रहता है कुछ, ठीक है। देखिए जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से जो भरा उसके लिए है, कृषि अभियंता, ठीक। चलिए यही सब है, बाकी एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी जो देखिए पेपर वन और पेपर टू सीजीएल जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं, इस पेपर वन में पास करना है, पेपर टू लैंग्वेज पेपर है, और पेपर थ्री वही 100 क्वेश्चन टेक्निकल पूछेगा और 50 क्वेश्चन नॉन टेक के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको, और कुछ करना नहीं है। बाकी जो पीजीएम के टाइम पे पीडीएफ दे देंगे उसको पढ़ लीजिएगा, आराम से 50 में से 40 प्लस सही करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और अच्छा यदि आप टेक्निकल में अच्छा नंबर कर पाते हैं, 100 में से यदि 60-70 भी बना लेते हैं दोस्तों, और इधर नॉन टेक वाला 50 में 40 बना लेते हैं, आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। चलिए खैर, जो भी दोस्तों, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों को बता दीजिएगा जो सिलेबस के लिए परेशान है, जो एकदम परेशान है कि सिलेबस जाएगा तभी पढ़ेंगे, नहीं अभी से शुरू कर दीजिए। बाकी जो होगा ज्योग्राफी वगैरह जो भी सिलेबस होगा धीरे धीरे करके हम डाल देंगे, हालांकि आपको बता देते हैं जो भी ग्रेजुएशन का सिलेबस था, एग्जाम हुआ अभी झारखंड में, उसका एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, हो बहु सेम सिलेबस होने वाला है आपका, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।